शब कद्र, लैलतुल कद्र या कद्र की रात, इससे आप सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। ये रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात आती है और बताया जाता है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है और इसकी फजीलत कुरान मजीद ने बताई है कि यह हज़ार महीनों से बेहतर रात है। और इसकी जाहिर सी बात है कि इसकी जो कुछ भी फजीलत है इस रात की, वो कुरान ही की वजह से है, क्योंकि कुरान इस रात में नाजिल हुआ, इस वजह से इसकी फजीलत है। तो इसको ढूंढने के लिए, इसको तलाश करने के लिए, चूंकि इसका कोई एग्जैक्ट रात नहीं बताई गई कि कौन सी तारा था, बस ये बताया गया कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, तो पांच रातों में से कोई एक रात होती है। तो इसको तलाश करने के लिए मोमिनीन जो है बहुत कोशिश करते हैं, 1400 साल से इसकी तलाश जारी है। तो इस बात को लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो कद्र की रात को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन उस रात में जो चीज़ नाजिल हुई यानी कि कुरान, और जिसकी वजह से उसकी सारी फजीलत है उस रात की, उसको उन्होंने छोड़ रखा है। यानी एक अजीब बात है कि उस रात में जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान को तो उम्मत ने छोड़ दिया, लेकिन उस रात को पकड़ने में लगे हुए हैं। तो ये एक अफसोस की बात है। तो हम ये कोशिश करें कि उस कुरान को भी पकड़ें, उस पर अमल करें, उसको सीने से लगाएं, मजबूती से पकड़ें, और उस रात को भी तलाश करें। उस रात को तलाश करना चाहिए, उसमें इबादत करनी चाहिए, उन पांच रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लेकिन वो तो एक साल में एक बार काम होता है बस रमज़ान के महीने में। लेकिन ये जो कुरान है ये पूरी ज़िंदगी के लिए है, पूरी ज़िंदगी आपके साथ है, पूरी ज़िंदगी आपको इस पर अमल करना है। तो जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है, हम आगे से ऐसा ना करें कि उस रात में जो चीज़ नाजिल हुई उसको छोड़ दिया और उस रात को पकड़ने में लग गए। नहीं, हमें कुरान को ज़्यादा ऊपर रखना है, उस पर अमल करना है, उसको समझना है, और बाकी फिर इस रात को भी जो है आप तलाश करें, बहुत अच्छी बात है।